आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं हम IRFC की। आज है 17 मई 2024 और हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम IRFC के नाम से जानते हैं। इसमें हम जानेंगे इनका रेवेन्यू क्या है, PBIT क्या है, नेट इनकम क्या है, टोटल एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, लॉन्ग टर्म में इसका और शॉर्ट टर्म में एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, और इनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं जरोदा के पोर्टल पे और IRFC के रेट को देख लेते हैं कि अभी कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आपने यहाँ देख सकते हैं कि डे वन का चार्ट हमने प्लॉट किया हुआ है और अभी 174-175 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या ये सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो सकता है, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले कंपनी के एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल। तो अभी अगर हम बात करें इनकम की, तो नेट इनकम अगर हम इनका देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है 2021 से और 22 के आसपास से अगर हम देखें, 2021 में 1570 करोड़ जो भी यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा वो करोड़ में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1570 करोड़ 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू था। वही पे 22-23 में अगर देखें तो 23,932 करोड़ और 24 में अगर देखें तो 26,655 करोड़। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम PBIT प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स की बात करें तो 22 में इनका जो PBIT था 6,090 करोड़, 23 में 6,337 करोड़, 24 में 6,412 करोड़। और अगर नेट इनकम की बात करें, यहाँ पर आप इसको और पीछे से देख सकते हो कि ये ईयर ऑन ईयर 2019 से ये ग्रो होता ही जा रहा है कंटिन्यूली। अगर हम नेट इनकम की बात करें 2018-17 से ले लेते हैं, 933 करोड़, 2054 करोड़, यहाँ पे देखेंगे 2254 करोड़, 3192 करोड़, 4416 करोड़, 6090 करोड़ और 6337 करोड़, 6,612 करोड़, और अभी जो है मार्केट 2024 में 6,412 करोड़ के आसपास नेट इनकम बनाया है। इन्होंने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6,412 करोड़ का नेट इनकम इन्होंने बनाया है। अब तो ये हो गई इनके इनकम की बात। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इनका बैलेंस शीट क्या ऐसा है। बैलेंस शीट हम देखने के लिए यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट पे, और टोटल एसेट्स इनके पास कितने हैं। मान लीजिए एसेट्स होना भी कंपनी के पास बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास एसेट्स अगर नहीं होगा तो वो किस तरह से बिजनेस को ग्रो करेगी। उनके पास सिर्फ बैंक बैलेंस ही होना जरूरी नहीं है, उसके पास उनके एसेट्स होना भी जरूरी है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 2015 से अगर हम डिस्कस करें, 2015 में इनके पास जो टोटल एसेट्स था यहाँ पर 87,486 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो 2,690 करोड़, 2019 में, 2021 में देखें तो 3,80,481 करोड़, और 2022 में देखें तो 4,90,980 करोड़, और 23 में देखें तो 4,91,146 करोड़ के आसपास इनका टोटल। कितने का इन्होंने लोन ले रखा है, इनके ऊपर कर्जा कितना है हम वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 2017 में हो गया 1,17 करोड़, 18 में 1,47,000 करोड़, वहीं पे अगर हम देखेंगे तो 19 में 1,81,000 करोड़, और अगर टोटल लाइबिलिटीज अगर देखेंगे यहाँ पर, टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे 1,81,000 करोड़ यहाँ पे 2019 में, और टोटल एसेट्स यहाँ पे जो 2019 में था 2,06,590 करोड़। तो फिर भी ये हमारा लाइबिलिटीज कम ही है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2021 में इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज है वो 3,44,000 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे 4,08,983 करोड़ हो गया है जो 2022 में है, और 2023 में जो है 2,82,000 करोड़ के इनके पास टोटल लाइबिलिटीज है एज कंपेयर टू 4,91,146 करोड़ जो इनके पास टोटल एसेट्स है। तो इन दोनों चीजों में बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इनकम में भी ठीक है और बैलेंस शीट भी हमारा ठीक है, इन दोनों में हम इनको ग्रीन सिग्नल देते हैं। अब हम इनका कैश फ्लो देख लेते हैं कि कैश फ्लो कितना है। 2014 में देखेंगे 10,000 करोड़, 15 में 1,200 करोड़, 16 में 16,000 करोड़, 17 में 19,000 करोड़,
28,000 करोड़, 41,000 करोड़ और 62,000 करोड़। अगर हम अभी देखेंगे तो ओवरऑल 2023 में 28,000 करोड़ का इनका कैश फ्लो नेगेटिव में है। जिस तरह से कंपनी ने बैलेंस शीट और इनकम को दिखाया है उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो जो है इनका कम है, लेकिन जो इनकम मार्केट में जनरेट हो रहा है उनके अकॉर्डिंग इनका जो है कैश फ्लो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब ये तो रहा आपका टोटल, हमने आपको दिखा दिया फाइनेंशियल क्या है, कैश फ्लो क्या कितना है, बैलेंस शीट कितना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इनका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। हमने बैलेंस शीट, कैश फ्लो और टोटल एसेट्स, टोटल इनकम में हमने इनको ग्रीन सिग्नल दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पार्टिकुलर स्टॉक्स को किस रेशियो में रखते हो, किस कैटेगरी में रखते हो और आप इसमें कितना इन्वेस्ट करते हो, कितनी होल्डिंग आप बना के रख सकते हो और कितने समय तक आप इसमें सस्टेन रह सकते हो। इन सब चीज़ों को आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी मार्केट में ये 174 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वीकली चार्ट फ्रेम पर अगर हम आए, वीकली चार्ट फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है एक यहाँ पर 175 के आसपास हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सॉरी 163 के पास हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया, अप गया, नीचे आया, अप साइड गया, फिर इसको यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया और ब्रेक करके फिर से नीचे आया और यहाँ से अब मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है। तो ये तो हमारा जो है वीकली चार्ट है। अब हम इनको डेली चार्ट पर भी ला करके देख लेते हैं कि एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ पे बन सकता है। जैसा कि अभी आप इनने देखा कि वीकली चार्ट पर ये हमारा जो है 164 के आसपास, 163 और 2 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। और दूसरा चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे आया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे जा सकता है, फिर हायर हो लो, यहाँ पे ये लगा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम वेट कर सकते हैं 160 या 162 के आसपास इसको यहाँ आने के लिए। या दूसरा प्लान हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि 100 क्वांटिटी बाइंग का प्लान अगर हम करते हैं तो 25 क्वांटिटी हम अभी खरीद लेंगे, 25 क्वांटिटी अगर नीचे आया तो हम बाय कर लेंगे, या फिर अपसाइड गया फिर 25 ऐड कर लेंगे, फिर डाउन आया फिर 25 ऐड कर लेंगे। ये हम वीकली कर सकते हैं कि एक बार हमें एंट्री नहीं करना है, वीकली हमें इसमें अपना पोजीशन बनाना है। तो इसमें हमारा शॉर्ट टर्म क्या टारगेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म का जो टारगेट हमें इसी महीने के देखने को मिल रहा है वो 200 के आसपास होल्ड करके रखें अगर 5 से 6 महीने, तो हमें यहाँ पे 300 के आसपास का और 350 के आसपास का भी ट्रेड सॉरी टारगेट हमको देखने को मिल रहा है। ये तो था आपका आई, हमने आपको टोटल रेवेन्यू भी दिखाया, पीबीआईटी भी दिखाया, इनकम भी दिखाया, टोटल एसेट्स भी दिखाया, टोटल लाइबिलिटीज भी दिखाया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का एग्जिट एंट्री भी दिखाया। अब आपको तो किस स्टॉक के बारे में चाहिए जिसमें हम आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करा सकें, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।